लुक जैस्मिन ने क्या किया है अभी जैस्मिन ने कराई इसने मेरे लिए एप्रिसिएशन केक बनवाया है कि प्राउड ऑफ यू मॉम फ्रेंडशिप डे पे स्पेशली आपने ये क्यों बनवाया है? नहीं मैंने ये पहले ही बनवा लेना था बट तब जिनसे मैं बनवाती हूँ वो अवेलेबल नहीं थे तो थोड़ा पोस्टपोन हो गया। बहुत टाइम से यूट्यूब कर रहे हैं और हमें बहुत मेहनत कर रहे हैं घर के कामों में भी और फिर यूट्यूब पे और मैं इतनी सक्सेसफुल हो और हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं बार बार सो हमें एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी सो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मम्मा के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए तो मैंने ऐसा कुछ किया और आज फ्रेंडशिप डे था कोइंसिडेंटली तो वो भी हो गया बिकॉज़ शी इज माय बेस्ट फ्रेंड सो थैंक यू सो मच सो 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 अमेजिंग लुकिंग वेरी डिलीशियस आल्सो मैं अभी नहीं काटूंगी मैं अभी और वेट करवाऊंगी आपको मुझे रेडी होना प्लीज मेरी फ्रेंड्स ने आना जल्दी करो था टाइम नहीं मेरे पास। हाँ जैस्मिन की फ्रेंड्स आ रही हैं आज कांग्रेचुलेशंस एवरीवन क्योंकि ये मेरे अकेले की अचीवमेंट्स नहीं है सब लोग नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं होता दुनिया को देखने का नज़रिया जब से बदल लिया हर दिन हर चीज़ खूबसूरत नज़र आने लगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ डे ऑफ माय लाइफ। इंडियन फूड इतना मज़ेदार होता है कि ना चाहते हुए भी कई बार हम चीटिंग कर जाते हैं और बैली फैट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़रा सी लापरवाही का भी फ़ायदा उठा लेता है लेकिन फिर भी इसे कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करती हूँ इसीलिए वीक में एक बार एब्स वर्कआउट करती हूँ। इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल नहीं तो बहुत आसान भी नहीं लेकिन हर एक्सरसाइज की 15-15 रेपिटेशन के 4-4 सेट लगा लेती हूँ। कई बार सोचा मेरे पास एक अच्छा इक्विपमेंट होना चाहिए एब्स के लिए एक चीज़ मेरे माइंड में है और आज मार्केट भी जाना है चलिए देखते हैं बात बनती है या नहीं। मैंने अपना वर्कआउट फिनिश किया उधर मम्मा की पूजा खत्म हो चुकी है मम्मा भी बाहर आ चुके हैं यहाँ पे जल दिया जा रहा है सूर्य देवता को तो मैं अपना वर्कआउट कर चुकी हूँ। आई होप कि आप भी कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करते होंगे आपको भी वर्कआउट करना चाहिए रोज करना चाहिए स्टार्टिंग में थोड़ा कम कीजिए टाइमिंग धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए आप देखेंगे कि यही वर्कआउट जो आपको पेनफुल लगता है एक टाइम आप इसी वर्कआउट को बहुत ज्यादा इंजॉय करने लगेंगे क्योंकि आपकी बॉडी रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगेगी आपको अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस नजर आने लगेंगे लेकिन रिजल्ट हमें तभी मिलते हैं जब हम किसी एक चीज में कंसिस्टेंट होते हैं। बारिश स्टार्ट होने वाली है अंदर चलते हैं और करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। देसी घी का हलवा वो भी मम्मा के हाथ का। बारिश तो अच्छे से नहीं हुई लेकिन बारिश का मौसम भी बनता है तो घर में सबको लगने लग जाता है कि हलवा होना चाहिए और वैसे भी आज बच्चे आए हुए हैं यानी कि जैस्मिन की फ्रेंड्स आई हुई हैं बच्चों ने रात को यहीं पे स्टे किया था सुबह मम्मा ने बोला कि चलो चलो आटे का हलवा बना लेते हैं बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ बहुत सारा घी डलता है और बहुत सारा आटा और उसको मम्मा इतना अच्छे से भून लेते हैं कि बिल्कुल भी उसमें कच्चापन नहीं रहता इसी वजह से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। शुगर डाल देनी है चाशनी बना के नहीं डालते हैं एज इट इज़ ही शुगर डाल के उसके बाद उसमें गर्म पानी डाल देते हैं पानी सूखने तक उसे पका लेना है उसके बाद अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट डाल के सर्व करना है। आज दोनों ही चीजें कुलदीप जी की फेवरेट हैं अरबी के परांठे और आटे का हलवा लेकिन 3 लोग हैं जो अरबी के परांठे खा लेंगे बच्चे नहीं खाएंगे ना मैं खाऊंगी। ऐसा नहीं कि मुझे अरबी के परांठे पसंद नहीं है बहुत अच्छे लगते हैं बहुत टेस्टी होते हैं लेकिन क्योंकि आज मेरा परांठा खाने का दिन नहीं है तो मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ। जब आप अच्छे से वर्कआउट करके अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने की कोशिश करते हो तो खाने में लापरवाही कभी कभी तो चल जाती है लेकिन डेली बेसिस पे वो नहीं चलती इसीलिए खाती मैं सब कुछ हूँ लेकिन अपनी डाइट में बैलेंस बना के रखती हूँ इसीलिए खुद के लिए बनाया है ओट्स चीला। ओट्स चीला की रेसिपी शायद पहले भी किसी व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ लेकिन कई बार व्लॉग आपको मिलता नहीं और आप कहते हैं कि एक बार फिर से रेसिपी शेयर कर दीजिए। बहुत ईजी रेसिपी है आपके पास ओट्स हैं 1 कप ओट्स लेके आप उनको रोस्ट कर लीजिए उसके बाद उसको ग्राइंड कर लीजिए पाउडर फॉर्म में ले आएंगे उसके बाद उसमें आप सूजी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं तो मैंने बेसन ऐड किया है साथ ही बारीक कटा हुआ प्याज बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए बाकी सीजनिंग डाल सकते हैं अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली नमक डाला है मैंने हल्दी डाली है लाल मिर्च पाउडर डाला है थोड़ी सी अजवाइन डाली है धनिया पाउडर डाला है जीरा पाउडर डाला है गरम मसाला पाउडर डाला है। ड्राई चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए उसके बाद उसमें मैंने डाले हैं 3 चम्मच दही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे बहुत लिक्विड ही नहीं रखना है बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है तो मीडियम सा होना चाहिए इसका टेक्सचर और उसके बाद तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसे हम फैलाते जाएंगे और जब ये एक साइड से पक जाए इसे पलट के दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है और बस बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जल्दी बनने वाला आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है।
गर्मियों में आजकल जिनके डॉग्स खाना वगैरह नहीं खाते हैं तो सुबह सबसे पहले उनको कच्ची लस्सी या फिर उनको दही लस्सी दीजिए, उसके बाद उनको खाना दीजिए। डॉग्स के पेट में बहुत गर्मी होती है तो जब हम इन्हें कच्ची लस्सी देते हैं या फिर इनको दही लस्सी देते हैं तो इनके पेट में थोड़ी ठंडक आती है और ये खाना ठीक से खा लेते हैं। गुड मॉर्निंग, मैंने वेज रोल बनाए हैं, ठीक है, साथ में मम्मा ने बनाया आप लोगों के लिए आटे का हलवा। आपने दीदी को मिस किया, पारी। स्टफी बोल दे नहीं बात करनी है, बोल दे नहीं बात करूंगा। गर्ल्स ओपन द डोर, गुड वाली चाय। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सेम सेम टी शर्ट्स पहनी है सबने। यस, फ्रेंडशिप डे फील्स। ओहो, और थर्ड वन कहाँ है? थर्ड वन बाथरूम में है। ओहो, प्यारी प्यारी फ्रेंड्स आ रहे थे। सभी आ रहा था और बहुत आराम से स्नीकी चल के आ रहा था, वो तेज नहीं आया था। और उसने पता क्या करना था, अभी आते सीधा बेड पे जम करना था, फिर तुम्हें अपना प्यार दिखाना और मेरे को ऐसा लग रहा है लैपटॉप फूट जाता। बढ़िया नींद आई? बहुत बढ़िया नींद आई है। और ये लड़कियां मुझे बार बार उठा रही थी नींद में, क्यों? मेरे को ऐसे ऐसे कर रही थी, आई डोंट नो इनको क्या हो रहा है आंटी। उधर हो जा, पूरी जगह कवर करके सो रही है। मैं इधर सो रही हूँ, इधर इस कोने में, यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है। एक उस लड़की ने मेरे को मारा, यहाँ पे मेरी वैक्सीन लगी है, सारी रात उसने मुझे ऐसे मारा। जसलीन ने इतनी सुंदर लग रही है सुबह सुबह भी। गुड मॉर्निंग गाइस। यार तुम लोग की हाइट पता कैसे है? खड़ी हो ना जसलीन साथ में, ऐसे है ना? जैस्मिन, जैस्मिन ऊपर हो गई। अच्छा स्लाइटली है तुम्हारा डिफरेंस दोनों का, है ना? मैं लंबी हूं जसलीन, जैस्मिन खड़ा के देखो ना, पता लग जाएगा। ऐसे खड़ी हुई है यार, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस जसलीन, सेंड टू शट योर माउथ। लंबी है रात को। तुम लोग फ्लैश लाइट के साथ क्या कर रहे थे मुझे ये बताओ, लाइट्स नहीं है हमारे घर में? पौड़ियों से लेके नीचे तक हम कैसे जाते हैं ना, यहाँ सीढ़ियों भी लाइट है बच्चा हमारे घर में। वो थोड़ा ऐसा है ना कि संतन इतना थोड़ी लाइट कट है, तो मैं बताती हूँ ये लड़की क्या कर रही थी। मैंने किचन की लाइट ऑन कर चुकी हूँ, ये लड़की टॉर्च लाइट लेके खड़ी है और मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ ऐसे ऐसे घुमा रही है। आई डोंट नो व्हाई, मैं कहती हूँ कोई काम कर ला, नहीं टॉर्च लाइट लेके खड़ी हुई है, लाइट जग रही है कमरे। तुम लोगों ने खूब मस्ती की है रात को, यही उम्र है फन करने की। अगर इस उम्र में फन नहीं करोगे, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं करोगे, तो उम्र में जाके फिर फ्रेंड्स के साथ क्या करना है आपने पता है? आप वीडियो चैट करनी है या फिर आप ऑनलाइन लूडो खेलनी है। अब चाय ठंडी होगी बातों बातों में, पी लो। बच्चे ना तो अरबी के परांठे खाएंगे और ना ही ओट्स चीला, तो उनके लिए मैंने वेज रोल बनाया है। बहुत ही इजी रेसिपी है और बच्चों को बहुत पसंद भी आते हैं। पहले भी शेयर कर चुकी हूँ ये रेसिपी मैं आपके साथ, बट कौन से व्लॉग में वो मुझे भी याद नहीं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगी। अरे नहीं हो तो पापा तेरे पीते, मैं ही पीती हूँ। हाँ मैंने ले लिया मास्क। चलो 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 चलो, मेरा फोन। इसमें सांस कैसे इतना लूज है, सांस कैसे नहीं आएगी आपको? दो मास्क क्यों ले रहे हो तुम? क्यों वाले मास्क लगा लिए? नहीं कोई बात नहीं, उसमें तो कोई वो नहीं है। थकी थकी लग रही है जैस्मिन, या तो सो जा थोड़ी देर। थकी हुई हूँ, हम कितनी लेट सोए हैं। थोड़ी देर सो जा बच्चे, सो के फिर उठ के नहा लेना, या तो मैं कहती नहा के सोएगी तो बहुत अच्छी नींद आएगी, जब नहा ले। मैं एनर्जी नहीं है। तुमने बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खींची है गाइस, मतलब मैंने मेरी फ्रेंड्स ने, तो मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे अगर देखनी है तो, वरना फिर मर्जी है तुम्हारी, थोड़ी कर सकती हूँ। बाय मम्मी। गाइस अभी हम जा रहे हैं जरा घूमने के लिए। घूमने नहीं जाते हम लोग, कुछ जरूरी काम करने जा रहे हैं घर। अगर मैं कुलदीप जी को कभी बोल दूं कि चलो कहीं घूम के आते हैं, बहुत बोर हो रहा है, तो ये पता क्या बोलते हैं? चलेंगे चलेंगे, कोई बात, टेंशन मत ले, बनाते हैं कहीं प्रोग्राम। और वो दिन कभी नहीं आता। हम ये बोलेंगे तू मेरे राज खोल रही है। नहीं राज नहीं है, मैं सबको पता है कि मेरा एक ड्रीम है ऐसा
कि 1 वीक के लिए मैं कुलदीप जी के साथ कहीं आउटिंग पे जाऊं। वो टाइम कब आएगा अभी नहीं पता। इसकी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि काश मेरा लाइफ पार्टनर भी उतना ही चाहता बाहर जाना जितना मैं घूमना फिरना चाहती हूँ। फिर उसके बाद एक ख्याल आता है मन में और वो ख्याल होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कि स्वीकार कीजिए। थिंग इज कि जहाँ पे भी आप हो अगर आप वहाँ पे सेटिस्फाइड हो इट मीन्स कि आप खुश हो। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो ऐसा ही है, जो आपके पास है वो बहुत अच्छा है, बस उसकी वैल्यू करनी आनी चाहिए। कुछ चीजें आपको लाइफ में मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। जो नहीं मिलती हैं अगर उनके पीछे भाग के हम खुद को मूड अपसेट करते रहेंगे, खुद को बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे, तो जो चीजें आपके पास है हम उनका भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमने 2-3 काम अपने कर लिए हैं और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं सीधा एक केमिस्ट शॉप पे। मैंने कुछ सामान मंगाया है फर्स्ट एड का। उसने कहा था कि मम्मा हमारे घर में कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। उसने शायद एक मेडिसिन मुझसे कोई मांगी थी, मम्मा ये हमारे घर में है। मैंने कहा नहीं, हमारे घर में कोई ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। तो एक छोटा सा बॉक्स मैंने ऑर्डिनरी सा बना रखा जिसमें कुछ पैरासिटामोल या थर्मामीटर वगैरह बैंडेड वगैरह है और कुछ उसमें खास सामान होता नहीं है। तो उसने कहा कि हर घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। तो उसने एक लिस्ट मेरे को दी है, तो वो सामान अभी लेके जाऊंगी। जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं हर घर में होनी चाहिए, क्या जरूरत की चीजें होती हैं वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। लेकिन अभी हम यहाँ शॉप पे रुकेंगे और कुछ सामान परचेज करेंगे। मेडिसिन शॉप से जो भी सामान हमें चाहिए था वो हमने लिया और उसके बाद हम लोग चले गए उस शॉप पे जहाँ पे मिलता है कुछ स्पोर्ट्स का सामान। और एब्स की एक्सरसाइज के लिए मुझे एक एब रोलर चाहिए था जो मैंने वहां से परचेज किया। अब नेक्स्ट और अब अगले व्लॉग्स में इसके साथ मैं आपको एक्सरसाइज करके बताऊँ और मुझे लगता है ये काफी हेल्पफुल भी होगा। अब कुलदीप जी का पेट कम हो जाएगा। अब तुम रोज इसके साथ एक्सरसाइज करोगे, 4 राउंड लगाओगे। हाँ सोबर भी आंदे ना। नहीं नहीं नहीं, होनी चाहिए सिंपल और अच्छा। हाँ साइड दे ना, ग्लास ग्लूस रख सकते हो। वो तो बहुत वधिया है। फिर आ जड़ी प्रॉब्लम आंदी है ना कि लेग्स हो जाती हैं खराब। पता कदे हुंदे लूडो वाले? लूडो वाले दी। हां जान ले अंदर मैडम, कई कई मोदो समझदे नहीं। असि समझा के जाके थक गए, चाहिदा 500 रुपया ला, उदों असि की करांगे? तुसी आके के सब तो वधिया देना। कई आ कहंदे कि मैनूं 700 कटिया दे 500 भी रख्या होया। असि क्लियर कर दिंदे चलना, इहने 2 दिन ही है, ओह कटवाणी है। इहदा प्लस पॉइंट इह है कि आ तुहाडा कर्व हो गया, इहदा पोर्शन आ रख्या 25%। मेरे पास अभी अपना कोई वर्क स्टेशन नहीं है। कभी कुलदीप जी का टेबल यूज करती हूँ तो कभी बच्चों का, तो इसीलिए मुझे इस चीज की भी रिक्वायरमेंट थी। स्पेशली लिखने के लिए और एडिटिंग के लिए मुझे एक टेबल जरूर चाहिए था। घर में एक ऑफिस टेबल और 2 स्टडी टेबल हैं, लेकिन कई बार वो तीनों ही बिजी होते हैं। लेकिन अब इस बेड टेबल के साथ बेड पे बैठ के काम करना भी इजी हो जाएगा। उदय ने आते ही सारा सामान सेट करना शुरू कर दिया फर्स्ट एड बॉक्स में। इसको नीचे रखना है ना, इसको नीचे रखते हैं। तो उदय अपना फर्स्ट एड बॉक्स रेडी करके बैठा है। वो बच्चा है, कुछ गलती भी हो सकती है, तो उस चीज को इग्नोर कीजिएगा। नो गलती ओके। इस तरह से श्योर है वो कि जो भी वो बता रहा है दिखा रहा है वो सब चीजें सबके घर में सबके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी ही चाहिए। बहुत सारी चीजें तो ऐसी होंगी जिनका यूज आपको भी पता होगा कि कैसे करते हैं। कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे भी नहीं पता था कि इनका यूज किस चीज के लिए होता है, क्योंकि आज तक कभी भी मैंने फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो अपने घर में रेडी करके नहीं रखा। हम लोगों दवाइयां वैसे यूज नहीं करते। सही बात है, दवाइयां यूज नहीं करते इसलिए कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। बट हाँ, फर्स्ट एड किट का मतलब ये नहीं होता कि उसमें सिर्फ दवाइयां पड़ी हुई। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। कुछ चीजें हमें नहीं मिल पाई जो कि इम्पोर्टेंट थी। तो इस तरह से उदय ने बॉक्स को ऑर्गेनाइज किया है। पहले हमारे पास है ये एंटीहिस्टामाइन, ये एलर्जीज के लिए होती है और एलर्जी के सिम्टम्स बहुत अंडरस्टैंडेबल होते हैं। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लग गई, जॉ लॉक हो गया, रेड हो जाता है फेस, स्वेलिंग हो जाती है फेस में। किसी को शॉर्ट टर्म इंसॉम्निया है, मतलब नींद नहीं आ रही है, शॉर्ट टर्मली यूज कर सकते हैं अगर इसको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ये ड्राउजीनेस देता है। बट ये रेगुलर यूज के लिए नहीं है। अगर आपको नींद नहीं आती उसके लिए स्लीपिंग पिल्स होती हैं और वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन से यूज करनी चाहिए। एक्चुअली हर दवाई डॉक्टर की रिकमेंडेशन से यूज करनी चाहिए। और बाकी हम ये भी बता दें कि ये जो भी सामान हमने इस बॉक्स में डाला है WHO से, WHO की स्टेट किट जो है, मतलब रिकमेंड करते हैं वो, उसी से हमने वो सब चीजें
चीजें नोट डाउन की थी। सामान की लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आपको लगे कि आपको भी ऐसा एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना चाहिए तो आप बना सकते हैं। सेकंड ये तो सबने देख रखा है दुनिया के अंदर, ये सबसे कॉमन पैरासिटामोल पेन किलर है। पेन किलर है, फीवर हो जाए तो सर दुख रहा है किसी का, वो पैरासिटामोल ले लेते हैं। नहीं लेना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ड्रिंक पानी भी अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ, डिहाइड्रेशन होती है तो भी सिर दर्द होता है। पानी पीजिए और डीप ब्रीथ कीजिए। ये कई लोगों का फेवरेट है एस्प्रिन, पेन किलर ही है। 16 साल से जो बच्चा नीचे है उसको देना ही नहीं चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होते हैं इसके, ये हार्ट अटैक के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, ऑन गोइंग हार्ट अटैक के लिए। जो जीप के नीचे रख देते हैं ना, यस, इसको आप दो पिल दोगे 160 मिलीग्राम। अटैक के रीजंस होते हैं, आर्टरीज के अंदर क्लॉट बन गया किसी, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज हो गई हुई है, एंटी क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और उससे ये हो सकता है आपको ज्यादा टाइम हो नहीं सकता, ये एक्चुअल में आपको थोड़ा टाइम प्रोवाइड कर देगा जब तक आप बंदे को हॉस्पिटलाइज। डॉक्टर स्टेप है, सबको पता है डॉक्टर स्टेप क्यों यूज होती है। बैंडेड्स भी सबको पता ही होती है क्यों यूज करते हैं। अपना अंडरवेयर चेंज करना भूल गए तुम 3 दिन तक। एंटी रैश क्रीम है ये, गर्मी के अंदर घूम रहे थे, नहाए नहीं इतने दिनों। क्लॉबेटा लिख देंगे, चलो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाए। सबका साथी एंटीसेप्टिक, ये पेन रिलीफ स्प्रे। किसी को नेक पेन है, जॉइंट पेन है, लोअर बैक पेन है या स्प्रेन है, ठीक है, ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। थर्मामीटर, हम लोगों ने कॉटन नहीं ऐड करी हमारे फर्स्ट एड किट के अंदर, क्योंकि हमने ये यूज करे उसकी जगह पे ज्यादा किट में यूज कर रहे हो, ठीक है, वो स्टेरलाइज्ड हो अगर तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है। वो कॉटन भी यूज करते हैं ना, पर अगर किसी को डीप कट लग चुका है तो आप उस पर कॉटन मत यूज करो, ठीक है। स्टेरलाइज्ड गॉज होती है, मतलब जो बैंडेज की तरह ही होती है, कॉटन की तरह ही होती है बट स्टेरलाइज्ड होती है। ट्वीजर्स कॉस्मेटिक वालों के पास मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं, हम लेडीज भी यूज करते हैं। ट्वीजर्स आप यूज करोगे किसी के में ग्लास घुस चुका है, ठीक है, या किसी बी ने स्टिंग कर लिया तो उसके लिए आप इसे यूज करोगे, ठीक है, या कोई वुडन का कोई छोटा सा पीस कई बार स्किन पे लग जाता है, लग जाते हैं, यूज करते हो उसे निकालने के लिए। अब कई लोगों को ऐसे डर लगता है तो मैं बताना चाहूंगी कि शायद मैं ये गलत स्ट्रिंजेस ले आई था लिस्ट में तूने, कि इरिगेशन स्ट्रिंजेस वाले ने शायद ये बड़ी स्ट्रिंजेस दे दी, तो इरिगेशन स्ट्रिंज चाहिए होगी। जो नीडल वाली स्ट्रिंज है उसका हम तो कोई यूज नहीं कर सकते हैं फर्स्ट एड में, लेकिन इरिगेशन जो स्ट्रिंज होती है वो वुंड को क्लीन करने के लिए होती है। ये तो उधर ने शौकिया मंगवा ली है, इसको ग्लव्स पहनना अच्छा लगता है, यानी कि फर्स्ट एड किट में इसका कोई यूज होने वाला है। अच्छा चलो, मेरे को कोई डीप कट लग जाए तो उदय ग्लव्स पहन के मेरा ट्रीटमेंट करेगा। वेरी गुड। और भी चीजें मैं रिसर्च करता रहूंगा जो हमें अपने फर्स्ट एड किट में यूज करने की। हाँ। कुछ टाइम पे ऑपरेशन थिएटर बन जाएगा। इसकी फील्ड में आप जा रहे हो, अगर आपको शौक है उसमें जाने का तो आपको पढ़ाई जो है फिर हेडेक नहीं लगता है। बोले फिर क्या बोले? दिस वॉज नॉट ब्लूपर लाइव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, बाय गाइस।